पर हम दोनों के लिए खाना देख रही है उसकी मम्मी सारे चीज़ों को। सबों का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और मोटर चल रहा है इसीलिए थोड़ा आवाज़ हो रहा होगा, तो मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए एंजल वाटिंग टब में घुस के बैठी है। जब तक ठंडा था तो उतना वो मतलब ज़्यादा देर तक नहाना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे गर्मी आ गया ना उस दिन बाल्टी में घुस गई और निकलना नहीं चाहती थी और निकाल दी। इतना रोई इतना रोई कि सब परेशान हो गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतना रो रही है। फिर हम बोले कि वो बाल्टी में और नहाना है, तो बोले चलो आज संडे है तो थोड़ा सा टाइम है, उसको हवा निकाल के और रख दिए थे ठंडा में। तो फिर अभी निकाल के हवा भर दिए तो पूरा खुश है, देख रहे हैं ना वो पूरा घुस गई है ऐसे ही बिना पानी का। तो अभी थोड़ा देर पानी भर के उसमें उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद उसको एंजॉय करने देते हैं। एंजल मजा खोल दे रही है इसको तो बार बार ही। वो वाला ढीला है ना तो ये हो जाता है, बार बार खुल जाता, हवा निकल जाएगा। मम्मा अभी खेलू एंजल खेलू वैसे नहीं करना, पलटी हो जाएगी, ऐसे नहीं करना। देखिए कितना एंजॉय कर रही है, तो चलिए इसका पानी भर देते हैं, उसके बाद इसका इंजॉयमेंट को और बढ़ाते हैं। और आज सुबह से हम लोग काम सब जल्दी जल्दी कर लिए, क्योंकि आजकल क्या होता है ना लाइट चला जाता तो बहुत दिक्कत होता है फिर बाद में, तो इसीलिए सुबह ही सारा काम, कपड़ा धोना, घर साफ सफाई और उसके बाद खाना पीना, नाश्ता बना के खाना, फिर लंच उन सारा चीज़ हो गया। अब खाली बाकी है नहाना, तो नहाना इसीलिए बाकी है क्योंकि एंजल के पापा गए थे बाल कटवाने, तब तक हम खाना बना रहे थे और फिर एंजल को आज थोड़ा मस्ती करवाना था ना, इसीलिए हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और एंजल को उसके स्विमिंग पूल में इंजॉय करने देते हैं। और यहाँ देखिए एंजल पूरा मजा कर रही है। इससे पहले गाइज हम लोग शूट किए वो पता नहीं सेव नहीं हुआ, हम लोग इतना अच्छा से एंजल एक्साइटेड हो रही थी और हम लोग शूट किए लेकिन वो हुआ नहीं। एंजल को पानी में खेलना बहुत मजा आता है, देखिए ए ए पापा को पानी चीट रही है, चीट दो पापा को मजा आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है, देखिए इसका ए बड़ा मजा है, गर्मी का आनंद यही ले रही है। देखो 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 मम्मा मजा हो गया, हाँ आज के लिए हो गया इनफ। देखिए 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 इसको मछली पकड़ रही है। ये क्या था? एंजल पूरा एंजॉय कर रही है संडे मनाने, पूरा एकदम संडे सेलिब्रेट चल रहा है इसका, संडे फंडे विद द बाथिंग टब एंड विद फुल ऑफ एंजॉयमेंट। देख के पूरा गूगल से दस मार के। सो गाइस आज एंजल का नहाना हो गया है, बट उसको अभी भी मन संतुष्ट नहीं है नहाने के लिए, उसको लग रहा है कि और थोड़ा सा ज़्यादा नहाने मिल जाता तो कितना मज़ा आता, संडे फुल ऑफ एंजॉयमेंट हो जाता। लेकिन उसका डक भी देखिए यहाँ पर तैर रहा है, छोटा बेबी डक, पलटी हो गया बेटा हो गया ना बेटा, चलिए आपको नहीं मिलता। गाइस राहुल आ गया है 20 साल बाद। कितना समय के बाद आ रहा है तुम? 20 साल के बाद। और एंजल देखते ही सब गिर जा रही है उसको ना, अच्छा 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 उसको बड़ा मजा आ रहा है। बीस साल के बाद में आया है राहुल अभी एंजल से मिलने के लिए। एंजल कितना खुश। कौन है एंजल? कौन है बताओ, कौन है बताओ, जल्दी बताओ। मामा। कौन है बेटा? अरे बाबा उसको तो बड़ा मजा आ रहा है। आये तो। कौन है जल्दी से बताओ, कौन है बताओ? बोल दीजिए। कौन है? मामू। कौन है? शर्मा रही है अभी बोलने के लिए ना, शर्म लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स हम एंजल नहा करके रेडी हो गए हैं, अभी एंजल के पापा नहाने गए हैं और एंजल आज बहुत मस्ती की ना एंजल।
एंजल यहाँ एंजल कितना खेलू खेलू की पानी में, इधर देखो इधर देखो, हाय कर दो, हाय, इधर इधर मुड़ के, इधर इधर इधर, हाँ इधर से हाय, हाय हाय। तो आज एंजल बहुत मस्ती की, बहुत दिन के बाद मतलब 20 साल का गर्मी शुरू हुआ और उसका बदमाशी शुरू हो गया, मस्ती शुरू हो गया। तो अभी हम लोग एंजल के पापा आ जाएंगे तो लंच करेंगे, तो चलिए एक बार आप लोगों को दिखा देते कि आज हम लंच में क्या क्या बनाए हैं। आज बनाए हैं लंच में चावल और यहाँ है सहजन की सूटी का सब्जी, मतलब ड्रमस्टिक का सब्जी। ये है कुर्थी का दाल जो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, बहुत दिन के बाद कल मार्केट में मिला तो हम लेके आए और आज बनाए हैं। और यहाँ है धनिया पत्ता का टेस्टी चटनी। तो फ्रेंड्स आज का लंच यही था। तो आज दोनों जो है ना बहुत हमको पसंद है, ड्रमस्टिक भी जो सहजन का फली है सूटी है वो भी है, हमको उसका सब्जी भी बहुत पसंद है और कुर्थी दाल भी बहुत पसंद है। तो आज खाने में तो मज़ा आ जाने वाला है। और रेसिपी हम नहीं शूट किए, सोचे कभी और आप लोगों के साथ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है तो कभी और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम किस तरीके से बनाते। सब कोई तो अपने अपने स्टाइल में बनाते, तो हम कैसे स्टाइल में बनाते ये भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अभी एंजल के पापा आ जाएंगे तो फिर हम लोग सब साथ में बैठ कर के लंच करेंगे। और आप लोग देखें ही, राहुल भी आया है बहुत दिन के, लगभग एक महीना के बाद। तो एंजल आज बहुत खुश है, जैसे देखी तो वो पूरा खुश हो गई। तो चलिए सब मिल कर के हम लोग लंच करेंगे। गाइस एंजल का नहाना आप देख ही लिए और आज कुछ बदला बदला से दिख रहा हूँ। मैंने भी थोड़ा सा अपना हुलिया का सुधार लिया, हेयर कट की आप लोगों को बताने भूल गए थे। तो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, लुक कैसा लग रहा? न्यू लुक नहीं, एज यूजुअल मेरा तो बहुत सिंपल है, हेयर कट के बाद हर बार न्यू लुक ही होता है। तो अभी जस्ट मैं नहा के आया, मजा आया। और देखिए अभी फैमिली जो है ना पूरा खाना वाना सब तैयार कर लिया है। यहाँ सब्जी देखिए, आज जो हम लोग का सब्जी है वो है मुनगा सुट्टी, तो दिखा दिए हैं तो आप लोगों ने पहले, जिसको हम लोग सुट्टी के नाम से जानते हैं, है ना। तो आप लोग किस किस नाम से जानते हैं वो भी हमें बताइए। हम लोग तो इधर लोग सुट्टी कहते हैं और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो ये ड्रमस्टिक है, आप खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। और वो बनाई है, देखिए वो खाना निकाल रही है अभी। तो हम लोगों का खाना निकालना लगभग हो गया है, तो हम लोग थोड़ी देर में भी खाना खा लेंगे। एंजल का भी खाना खाना हो गया ना बेटा, देखो ये भी आ गई, देखिए लटक गई इधर। तो चलिए खा लेते हैं फिर मिलते हैं। यहाँ पर हम दोनों के लिए खाना निकाल लिए हैं और दोनों अब मस्त में खा लेते हैं। तो चलिए टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे बना है। दाल भी बहुत, हमको लगता है ना बहुत दिन के बाद, दो छुट्टी टेस्ट कर लेते हैं, दो साल के बाद बनाए हैं कुर्ती दाल, मस्त है, मजा है ना। तो फ्रेंड चलिए आप लोग भी खा लीजिए हम लोग के साथ और फुर्सत के साथ में खाना। हाँ, क्योंकि ये फुर्सत वाला सब्जी है ना, तो इसीलिए संडे को बनाया ताकि आराम से इत्मीनान से बैठ के आराम से खाएंगे। और संडे को ही टाइम मिलता है, सैटरडे संडे हम लोग दोनों साथ में बैठ के लंच करते हैं, नहीं तो बाकी दिन हम पहले खा लेते हैं और अपने जब आते हैं तो देखते हैं 3:30-4:00 बजे तक खाते हैं। तो चलिए आप लोग भी हम लोग के खाना को खा लीजिए और हम लोग का खाना को भी खा लीजिए और आप लोग भी ड्रमस्टिक सूटी बना बना करके टेस्ट कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको सूटी खा करके? अच्छा देखिए पूरा चुन चुन करके खाई है, पूरा एकदम फिनिश खाना खा के हम लास्ट में खाते, लास्ट में उसका मजा लो, मेरा फेवरेट, हमको रोज दे देना तो रोज हम खाएंगे। वाह इतना पता चला बाद में बीपी लो हो गया है। इसको ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है, कभी कभार ठीक से ज़्यादा होता है सूटी से ना, खाते रहो फिर ना। तो देखिए कितना मस्ती से एकदम खा करके सब चट मेरा फ्रेश हो चुका है क्योंकि बहुत मज़ा आया, इसलिए जल्दी से फिनिश कर लिए और इधर ये लास्ट का मज़ा ले रही है। फ्रेंड्स खाना वाना खाना हो गया, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ ढेर सारा पालक सब कल ले करके आए थे तो हम कल नहीं साफ किए, छोड़ दिए थे।
तो सोचे अभी थोड़ा टाइम है तो अभी साफ उफ करके और अच्छा से रख देते ताकि कल बनाने में भी जल्दी होगा और ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ना अब ख़राब होना शुरू हो गया है। पालक साग ज़्यादा देर दिन तक नहीं रहता है, तो अगर हम ऐसे अभी सबको अच्छा से साफ करके रख देंगे ना तो प्लास्टिक में करके, तो ये कल परसों तक रह जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अगर पालक साग सस्ता मिला है और ज़्यादा लेकर के आ गए हैं ना तो उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और एक प्लास्टिक में उसको रख दीजिए, तो वो एक दिन क्या दो दिन तक वो बहुत अच्छा से फ्रेश रहता है। और अगर आप जैसे लाए हैं वैसे ही जड़ सहित और बंधा हुआ रख दीजिएगा ना तो वो पूरा गल के ख़त्म हो जाता है। और अगर अच्छा से साफ सुथरा करके और धोइएगा मत, सूखा ही उसको रखिएगा और जिस समय यूज कीजिएगा उस समय अपना अच्छा से धो लीजिएगा। तो ऐसे करके आप दो दिन तक तो स्टोर कर ही सकते हैं। जिनका फ्रिज नहीं है उसके लिए बता रहे हैं, और जिनका फ्रिज है वो तो तीन चार दिन रखते ही हैं, तो मेरे पास फ्रिज नहीं है तो इसीलिए हम वैसा करते हैं, साफ़ करके प्लास्टिक में रख देते हैं। फ्रेंड्स दोपहर में मस्त में जम के खाए हम लोग, और राहुल को बोले तो राहुल के घर में खाना बना हुआ था इसीलिए राहुल नहीं खाए, वो चला गया था। हम दोनों ही आप लोग देखे खाए, तो उसके बाद खाने होने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट किए, फिर अपना अपना जो भी काम था किए, आयरन करना, कपड़ा सरियाना और वो अपना स्कूल का काम। एंजल सो रही थी तो उस समय इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं किए, और अभी हम लोग देख रहे हैं, हम चश्मा आज खोल दिया, आज बिना चश्मा का ब्लॉगिंग कर रहे हैं और तैयार हो रहे और एंजल भी वहाँ तैयार हो रही। तो सोचे दिन भर घर में है तो शाम को थोड़ा सा बाहर निकलना जरूरी है। इधर एंजल हाई हाई कर रही है, तो चलिए हम लोग के साथ बने रहिए और हम लोग तैयार हो जाते हैं, उसके बाद निकलते हैं थोड़ा बाहर हवा खाने। फ्रेंड्स तो हम लोग निकल गए हैं, मार्केट आ गए हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि रांची में जो होली बाजार है ना वो पूरा एकदम लग चुका है, पूरा सज चुका है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं होली बाजार। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा होली का जो बाजार है, रंग गुलाल पिचकारी टोपी बाल सबसे एकदम पूरा मस्त में होली बाजार। पूरा सब तरफ वही रंग पिचकारी, और इधर देखिए सब कल के लिए अगजा के लिए गेहूँ जो क्या चना सब बेच रहे हैं, और फिर उधर भी पूरा उधर दुकान लगा हुआ है। हम लोग घूमते फिरते में मैक्स आ गए हैं, यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं मैक्स, तो यहाँ हम लोग घूमने का प्लान बनाया है। चलिए यहाँ एंजल को तो दीदी मिल गई थी, वो जा रही है, तो हम लोग अब अंदर घुसेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कैसा है। चलिए एंजॉय करते हैं अंदर जाकर। ओ एंजल को सबसे पहले तो कपड़ा नज़र आ गया है, तो वो कपड़ा देखने के लिए आई है। एंजल शॉपिंग कर रही है और फिर मैक्स में पूरा जोरों शोरों से, दो बार गिर चुकी है शॉपिंग करते करते। बेटा कहाँ जा रही है तुम? रुको रुको रुको, कहाँ जा रही है? ओए किधर जा रही है तू? तो मैक्स बढ़िया जगह है, कपड़ा भी अच्छा है, देख रही है उसकी मम्मी सारे चीज़ों को। फ्रेंड्स हम लोग आ गए घूम घाम करके, काम कुछ नहीं था तो राहुल बहुत दिन के बाद आया ना, लगभग एक महीना के बाद, तो बोल रहा संडे है चलिए ना थोड़ा घूम के आते, बहुत दिन के बाद